मैं एक सेकंड भी इस घर में बर्दाश्त नहीं करूंगी। नहीं अब्बा निकलो यहां से। बिल्कुल ठीक थी माशाल्लाह, लेकिन वो फर्श गीला था ना तो पांव फिसल गया उसका। इंशाल्लाह कुछ नहीं होता, ठीक हो जाएगी। जवान आओ बेटा खाना खा लो। मुझे भूख नहीं। मैं बुला लाती हूँ। रहने दो मिनाइल, भूख लगेगी तो खुद ही एहसास हो जाएगा। अभी कुछ भी कहना फजूल है। कुछ लोगों को एहसास दिलाना पड़ता है। खाना खा लो जवाब। मुझे भूख नहीं। सुना नहीं तुमने? मैं आज तक तुम्हारी तो सुनती आई हूँ जवाब। मुझे भी पहले यही लगता था, तुम सिर्फ मेरी सुनती, लेकिन अब इस गलत फहमी में नहीं रहा, क्योंकि तुम सिर्फ अपने बारे में सोचती हो। मैं तुम्हें इतनी खुदगर्ज लगती, तो ठीक है मैं अपनी खाला के घर जा रही हूँ। ठीक है, मुझे क्यों बता रहे? तुम्हारी जिंदगी है, जहां मर्जी जाओ। इतने आराम से अलग कर दिया ना मुझे। मेरी पूरी जिंदगी तुम और मामा मेरे फैसले करते आए हो और अब। खैर, जब मेरे यहाँ रहने से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता तो मेरा रहने का कोई फायदा भी नहीं है। पर जाने से पहले मैं सारा के लिए कुछ करना चाहती हूँ। प्लीज, तुम ऑलरेडी सारा के लिए इतना कुछ कर चुकी हो, अब मजीद उसकी जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश मत करो। मैं उसकी जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहती, उसको उसका हक दिलाना चाहती। कैसा? उसका घर, जिस पे उसका पूरा हक है, बस उसको वो दिलवाना चाहती। और जैसे ही काम हो जाएगा मैं तुम्हारे घर तुम्हारी जिंदगी दोनों से चली जाऊंगी। सारी गलती मेरी, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ। मैं अपने बच्चे का ठीक तरह ख्याल ही नहीं रखता, इसलिए मुझे छोड़ के चला गया। नहीं सारा, वो अपनी उम्र लिखवा कर लाया था, तुम मैं उसे रोक नहीं सकता था। मैं जानती हूँ, मैं जानती हूँ कि मैं उसे रोक नहीं सकती, लेकिन मैं क्या करूँ, वही तो मेरा वाहिद सहारा था। आपको पता है उसके अंदर मुझे राहील नजर आता था, ना राहील, मैं कहाँ तलाश करूँ। सबर करो, सबर करो। सबर ही तो नहीं होता, मैं कब से वही तो कोशिश कर रही हूँ और क्या करूँ, ये सबर ही तो नहीं होता। भाई मुझे यकीन ही नहीं आ रहा कि रानी मुझे छोड़ के चला गया। मैं उसका चेहरा अब जिंदगी भर नहीं देख पाऊंगी। इस तरह रोगी तो अच्छी बात क्या होगा? संभालो अपने आप को, मैं तुम्हें लेने आया हूं, मेरे साथ चलो। मैं यहां से नहीं जाऊंगी, अब यही मेरा घर।
मुझे पता है कि क्यों नहीं जाओगी मेरे साथ। देखिए भाई, जैसा आप सोच रहे ऐसी कोई बात नहीं। ऐसी बात है सारा, तुमने मुझसे कभी शिकायत या शिकवा नहीं किया, लेकिन मैं जानता हूं मैंने अच्छा नहीं किया तुम्हारे साथ। जो मैंने किया वो माफी के काबिल तो नहीं है, लेकिन हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं। भाई ऐसा ना कर, प्लीज प्लीज ऐसा ना कर, आपकी गलती नहीं है। एक भाई के होते हुए तर तर की ठोकरें खाई है तुमने, कुछ नहीं कर सका। ना मुझे आपसे कोई शिकायत है और ना ही भाभी से, मुझे एक तरह अच्छा ही हो। अगर उस वक्त आप लोग मुझे सहारा दे देते तो मैं आज वही कमजोर सारा होती। वक्त और हालात ने आपकी बहन को बहुत बहादुर बना दिया, और मैं यही चाहती हूँ अपनी जिंदगी से कि मैं अपनी जिंदगी बगैर किसी सहारे के गुजारूं। मेरी आंखों पे तुम्हारी तरह पट्टी भी बन जाए। बस करे अम्मे, बस करते। आप ही ने सभा को धक्का दिया, थप्पड़ मारा, उस वजह से हुआ है सब कुछ। शकील, तुम्हारी बहन ने मेरी बेटी पे हाथ उठाया? अबू, मुझे नहीं पता था। कैसे पता नहीं था तुम्हें? जिम्मेदारी है वो तुम्हारी, शौहर हो तुम उसके। मैं मानता हूं कि मेरी ही गलती, मैं सभा का सही से ख्याल नहीं रखा। तुम्हारी गलती की वजह से मेरी बेटी ने अपना बच्चा खो दिया है। शकील देखो जाकर उसे किस तरह रो रही है वो। मैं आपकी तरफ से माफी मांगता हूँ। तुम माफी मांगते हो? क्या तुम्हारे माफी मांगने से मेरी बेटी का बच्चा वापस आ जाएगा क्या? या क्या उसको मिला हुआ दुख जो है वो खत्म हो जाएगा? बताओ मुझे। मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा दोबारा से। तुम अब कुछ ठीक नहीं करोगे, कुछ नहीं। मैं समझा नहीं अबू, आप क्या कहना चाहते हैं? सभा की तुम्हारे पर कोई जिम्मेदारी नहीं है, वो तुम्हारे साथ घर नहीं जाएगी। नहीं वो, प्लीज ऐसा मत कीजिए, मैं उसके बिना रह नहीं सकता। तुम्हें रहना पड़ेगा, मैंने बहुत बड़ी गलती की तुम पर भरोसा करके, और अब मैं उस गलती को दुरुस्त करने जा रहा हूं। आ गए, हो गई तसल्ली। कह रही थी ना मैं कि हमारे साथ ही चलो। यकीनन उन्होंने भेजा होगा, वरना तुम कहां टलने वाले थे वहां से? उन लोगों ने नहीं भेजा, मैं खुद आया हूं। यहां पे खुद को बहुत छोटा महसूस कर रहा था। क्या सोच रहे होंगे वो मेरे बारे में? बस कर दे, जब से तेरी शादी हुई है तब से यही जुमला सुन रही हूँ, वो क्या सोचेंगे। हम क्या सोचते हैं, कभी इसकी भी फिक्र की है तूने? आपको जरा सा भी दुख नहीं है ना? आप ही की वजह से सभा ने अपना बच्चा खो दिया है। पता नहीं तेरी बीवी ने तुझे क्या कहानी सुनाई है जो तू अपनी बहन पे इतने इल्जाम लगा रहा है।
अपनी आंखों से प्यार की पट्टी उतार के देखेगा ना, तब तुझे सच्चाई का पता चलेगा। शाजिया ने सब बता दिया मुझे। तो सहन में पानी गिरा हुआ था, वहां से फिसल गई वो। शाजिया बेचारी तो उल्टा परेशान हो रही थी और कह रही थी कि जल्दी जल्दी हॉस्पिटल ले चले। तो अल्लाह का शुक्र है कि कल्लू आ गया उसी वक्त, वरना और देर हो जाती। आपको क्या लगता है कि आप ही सच बोल रही हैं? हाँ, मुझे अपनी बेटी पे पूरा भरोसा है, वो झूठ नहीं बोलेगी। और झूठ बोलेगी भी क्यों, मेरी आंखों पे तुम्हारी तरह पट्टी नहीं बन जाएगी। बस करते, आप ही ने सभा को धक्का दिया, थप्पड़ मारा, उस वजह से हुआ है सब कुछ। हाँ तो सभा ने कोई गड़बड़ की होगी ना, वरना शाजिया को पागल थोड़ी है कि उसे बिला वजह थप्पड़ मार देगी। आप ही होती कौन है सभा को थप्पड़ मारने वाली? आपको याद है, आप ही नहीं सारा भाभी को थप्पड़ मारा था और आपने एक लफ्ज नहीं कहा। नतीजा क्या निकला? राहिल भाई हमें हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चले गए ना। होने को कौन टाल सकता है, ऐसे ही लिखा था, हमारी तो किस्मत थी। किस्मत को इल्जाम मत दे, इस घर में आज तक जो कुछ भी हुआ है उसके पीछे हमेशा आप ही का हाथ रहा है। और आपने क्या किया, आंखें बंद करके उनकी हर बात पर यकीन कर लिया। हाँ तो क्यों यकीन ना करूं, बेटी है वो मेरी। वो आपकी बेटी और हम? हम कुछ नहीं लगते आपके? अम्मी आप ही भरोसे के काबिल नहीं हैं, और इस बात का अंदाजा आपको आज नहीं तो कल हो जाएगा, तब मेरी बातें याद आएंगी आपको। शर्म मुझे नहीं शर्म तुम्हें आनी चाहिए, ये सब कुछ करने के लिए तुमने मुझे मजबूर किया। ना तुम उसकी तरफ कदम बढ़ाते ना मैं ऐसा कुछ करती, जो मत अपनी बीवी के होते हुए दूसरी औरत से ताल्लुक रख। बेटा दोबारा मिलाओ, हो सकता है अब उठा ले। अम्मा उसने तो अपना फोन ही ऑफ कर दिया है, अब मैं क्या करूं? आज से पहले उसने ऐसा गुस्सा कभी नहीं किया। मगर आज से पहले इतना बड़ा झूठ भी तो नहीं बोला। वो अपनी जगह पर ठीक है फाखरा, मुझे तो सिर्फ ये डर लग रहा था कहीं वो दो लफ्ज ही ना बोल दे तुम्हें। माँ ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम ही ने ये सब कुछ करने के लिए मुझे कहा था। मैंने तो उस वक्त भी मना किया था कि ये सब कुछ मत करो, ये ठीक नहीं है, लेकिन तुमने मेरी एक ना सुनी। बेटा ये सब मैंने तुम्हारे भले के लिए किया और तुम्हारे घर को बचाने के लिए। ऐसे घर बचता है अम्मा? आज मेरा शौहर घर सब कुछ दांव पर लगा हुआ है सिर्फ तुम्हारी वजह से। आज तक मैंने वही किया जो तुमने मुझे कहा करने के लिए, क्योंकि मुझे लगता था कि माएं हमेशा सही होती हैं। लेकिन लेकिन क्या? मैं गलत थी अम्मा, तुमने मुझे गलत साबित कर दिया, मेरी सोच को गलत साबित कर दिया। आज तक सबको मैं तुम्हारी नजर से देखती हुई आई हूँ, तुम्हारे कहे रास्ते पर आज मैं वहां चली आई जहां ना कोई मंजिल है ना रास्ता। अब मुझे बताओ मैं क्या करूंगी, अगर फाखरे ने मुझे घर से निकाल दिया तो मेरा कोई घर नहीं, कोई आसरा है, भाई मुझे रखेंगे? नहीं, क्या करूंगी मैं? मगर बेटा बर्बाद हो गई, मैं बर्बाद हो गई, अब कुछ भी नहीं बचा मेरे पास, कुछ भी नहीं, सब कुछ खत्म हो गया। बात तो सुन बेटा, तुम क्यों डर रहे हो? उसे तो मैं बताती हूँ जाके कि थप्पड़ मारा क्यों था। बड़ी तरफदारी कर रहा है ना अपनी बीवी की, अभी सुनाती हूँ उसको उसकी बीवी की पाक दामनी के किस्से। अरे भाई मैं क्यों डरूंगा, मैं तो इसलिए कह रहा हूँ कि शकील मियां इस वक्त गुस्से में, खामखा बात बढ़ जाएगी। तो मैं डरती हूँ उससे? मेरे कौन से झूठ बोलना है, सच बताऊंगी ना सब। देखें कुछ बातें वक्त पे छोड़ देनी चाहिए, और फिर हम अपनी जबान क्यों गंदी करें हैं?
भाई, सच ऐसी चीज है जो एक ना एक दिन सामने जरूर आता है। मैं नहीं रहने वाली वक्त के आसरे पर। अरे शाजिया, शाजिया जी देखे, कम से कम किसी और का नहीं तो अपने बेटे कासिम का ही ख्याल करो। देखो कसम दी है मैंने तुम्हें। मैं नहीं मानती कसमों वस्मों को, कुछ नहीं होता। तो ठीक है, जाओ जाके जाके बता दो, कल को कुछ हो गया ना कासिम को फिर मुझसे मत कुछ कहना, मैंने तो रोका है तुम्हें, आगे तुम्हारी मर्जी है, जाओ 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 बताओ ना। क्या हो रहा है मुझे? मैंने तो लालच में शादी की थी, तो फिर मुझे ये सब बुरा क्यों लग रहा है? क्यों मेरा दिल इतना उदास हो रहा है? क्यों इस दर्द को महसूस कर रहा है? आज एहसास हुआ मुझे कि राहिल भाई के दिल पर क्या गुजरती होगी जब अम्मी और आप ही सारा भाभी के साथ बुरा सलूक करती होंगी। बहुत शर्मिंदा हूं सबा मैं तुमसे। तुम तो अच्छी बीवी बन गई लेकिन मैं अच्छा शौहर नहीं बन सका, तुम्हारा ख्याल नहीं रख सका। वहीं रुक जाओ, एक कदम आगे मत बढ़ाना। फाखर, मैं मानती हूं कि मैंने तुम्हारा दिल दुखाया। सिर्फ दिल नहीं दुखाया, मेरा भरोसा तोड़ा है, मेरे मान को तोड़ा है। फाखर, ये सब कुछ मैंने तुम्हें पाने के लिए किया है क्योंकि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती थी। खो तो तुम चुकी हो फाखरा, मुझे खोना नहीं चाहती थी। नहीं फाखर, ऐसे मत कहो, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। प्यार करती तो ऐसा होता, प्यार का अलीफ बे भी जानती हो तुम? प्यार करने वाले और ही होते हैं जो दूसरों के लिए खुद को भूल जाते हैं। और तुमने बिना मकसद झूठ बोल दिया, धोखा दिया अपने शौहर को। फाखिर, तुम्हारी कसम, मैं तुम्हें धोखा देने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। ये सब कुछ तो मैंने इसलिए किया क्योंकि मैं तुम्हें उस बला से दूर रखना चाहती थी। किस बला के बारे में बात कर रही है आप? नहीं, कुछ कुछ नहीं, ऐसे ही। ऐसे सच बोलो, झूठ बोला ना तो किसी भी हद तक जा सकता हूं, और तुम जानती हो कि किसी भी हद तक जाने का मतलब क्या होता है। अनम, उसकी वजह से ये सब कुछ मैंने किया क्योंकि तुम मुझसे दूर हो रहे थे, तुम अनम के करीब जा रहे थे, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था, इसीलिए मैंने झूठ बोला। इसलिए झूठ बोला? घटिया सोच है तुम्हारी। तुम मुझे उससे दूर रहने का कह रही हो जो मुझे तुम्हारे करीब रहने का मशवरा देती थी। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। शर्म मुझे नहीं, शर्म तुम्हें आनी चाहिए। ये सब कुछ करने के लिए तुमने मुझे मजबूर किया, ना तुम उसकी तरफ कदम बढ़ाते ना मैं ऐसा कुछ करती। जो मर्द अपनी बीवी के होते हुए दूसरी औरत से ताल्लुक रखता है। एक लफ्ज भी और निकालना ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। फाखरा, घिन आ रही है तुमसे मुझे। तुम्हें मैं कोई मौका नहीं दे सकता, मैं अपनी बेटी को खोना नहीं चाहता, इसलिए मैंने फैसला किया है कि। क्या, कैसा फैसला? किसी बाबा के पास जाने की जरूरत नहीं है, हम सबकी मुरादे सुनने वाला वो ऊपर बैठा है। हम उसको क्यों नहीं पुकारते? हम क्यों इधर उधर लोगों के पीछे भागते? सांसों का चले क्या कारवां मेरे मौला। तूने अब
सुनाया।